नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पांचवी कक्षा का हिंदी विषय और ये चैप्टर फोर है। चैप्टर फोर का अभ्यास करेंगे इंजीनियर एक्सरसाइज। चैप्टर फोर में चैप्टर फोर का नाम क्या है? कुछ काम करो। कुछ काम करो ये कविता है। ये कविता को आप लोग पढ़ चुके हो और इसका हम लोग क्या करना है अभी? एक्सरसाइज यानी प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो ये क्या है? कविता है। पहला प्रश्न इससे क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि शुद्ध उच्चारण लय व गति के साथ कविता का सस्वर वाचन कीजिए। तो हम लोग कविता पढ़ चुके हैं, आप लोग मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको पढ़िए जो मैंने बताई है। यानी मौखिक प्रश्न है, कवि ने मन को निराश करने की बात क्यों कही? कवि ने मन को निराश करने की बात क्यों कही? क्योंकि कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को आलस्य त्याग कर कर्म करते रहना चाहिए, इसलिए वो मन को निराश न करने की बात कही है। उसके बाद में ईश्वर ने मनुष्य के लिए किन किन वस्तुओं का विधान किया है? ईश्वर ने मनुष्य के लिए किन किन वस्तुओं का विधान किया है? यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ईश्वर ने मनुष्य के लिए किन किन वस्तुओं का विधान किया है। ईश्वर ने मनुष्य को दो हाथ दिए हैं काम करने के लिए। तो मनुष्य को ईश्वर ने क्या दिए कि दो हाथ दिए हैं काम करने के लिए और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की रचना की है। कुछ वस्तुएं तो ईश्वर की कृपा से स्वतः प्राप्त हो जाती हैं और कुछ मनुष्य को अपनी मेहनत से हासिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो कुछ मनुष्य करना पड़ता है और कुछ भगवान ने दिए हैं। तो मनुष्य कुछ मेहनत नहीं करेंगे तो उन्हें सफलता नहीं मिल पाएगी, इसलिए मनुष्य को कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करना चाहिए। उसके बाद में है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न का क्या है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लिखित प्रश्न में है पहला नंबर, लिखित प्रश्न का पहला नंबर लिखित उचित विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाइए। तो जहां पर सही उत्तर रहेगा वहां पर क्या लगाना है आप लोग को? सही का निशान लगाना है। कवि ने कविता में क्या करने की प्रेरणा दी है? तो यहाँ पर प्रश्न बुक में ऑलरेडी है, तो मैं आप लोग को प्रश्न पढ़ लूंगा, लेकिन आप लोग को क्या करना है, मैं प्रश्न पढ़ के उत्तर खाली मैं उत्तर लिखूंगा, आप लोग प्रश्न और उत्तर दोनों को अपने हिंदी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, कवि ने कविता में क्या करने की प्रेरणा दी है? तो जो कवि है, इसकी कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या कहा है कि यहाँ पर कविता में क्या करने की प्रेरणा दी है? क्या करने की प्रेरणा दी है? तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है, पहला है आराम, दूसरा काम, तीसरा नींद। तो यहाँ पर आराम और नींद नहीं होगा, क्या होगा? काम। कवि ने कविता में काम करने की प्रेरणा दी है। तो पहला नंबर पे क्या हो गया? पहला नंबर का काम। यहाँ पर क्या करना है? ठीक है, ठीक है, ठीक ही जाने यहाँ पर बॉक्स से बॉक्स में ठीक करना। ठीक है, कवि ने कविता में काम करने की प्रेरणा दी है, इस तरह से हम लोग को लिखना है। उसके बाद रखा नंबर है, नंबर पर क्या है, मनुष्य को कहाँ नाम करना चाहिए? मनुष्य को कहाँ पर नाम करना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन तीन है, घर में, मन में या समाज में। तीनों में से जो कौन सा सही आंसर है? समाज में। यानी घर में तो नाम करते हैं, लेकिन घर से और बाहर जो नाम करते हैं वो उसमें यहाँ पर दिया है। मनुष्य को कहाँ नाम करवाना चाहिए? मनुष्य को समाज में। समाज में मनुष्य को समाज में नाम कमाना चाहिए। नंबर में है, मनुष्य को किसका उपयोग करना चाहिए? तन की मन की धन। मनुष्य को किसका उपयोग करने के लिए यहाँ पर कहे हैं कविता में? तन। तन का मतलब शरीर। मनुष्य को अपने शरीर का उपयोग यानी काम में लाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तन, तन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या करना है आपको? बॉक्स में तन के सामने वाले बॉक्स में टिक करना है। उसके बाद में आते हैं हम लोग, उचित उत्तर लिखिए। उचित उत्तर लिखे, उचित उत्तर लिखे, उचित उत्तर सेकंड नंबर है। यहाँ पर उचित उत्तर लिखे, इसका प्रश्न मैं आप लोग को पढ़ के सुना रहा। ठीक है, तो पहला में क्या है, उचित उत्तर लिखे, सेकंड नंबर में लिखा है, इस जगत में नाम कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो इस जगत यानी दुनिया, इस दुनिया में नाम किस तरह से हम लोग कमा सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखना है, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से इस जगत में नाम प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग अगर कड़ी मेहनत करेंगे और ईमानदारी से चलेंगे तो इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में खाना पर क्या दिया है, मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन को सफल बना सकता है?
मनुष्य किस प्रकार काम करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यहाँ पर उत्तर में क्या लिखा है, केवल कर्म करते रहने से ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। मनुष्य जो है वो केवल कर्म करते रहने से ही, हम लोग निरंतर कर्म करते रहने से अपने जीवन को क्या बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं, ना कि आलस्य। आलस्य करने से जीवन अपना सफल नहीं बन सकते, इसलिए हमें कर्म करने के लिए इस कविता में प्रेरणा दी है कवि ने। ठीक है, उसके बाद में कहना परम क्या है, कोई भी वस्तु कब अलभ्य नहीं रहती, कोई भी वस्तु कब अलभ्य नहीं रहती। अलभ्य का मतलब क्या है, जिसे प्राप्त न किया जा सके, जिसे प्राप्त किया ना जा सके उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अलभ्य। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि कोई भी वस्तु कब अलभ्य नहीं रहती, तो हम लोग यहाँ पर लिखना है कि दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास से कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती। यानी दृढ़ हम लोग निश्चय करेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे और निरंतर उस काम को हम लोग करते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक प्रयास करते रहेंगे, तब जाकर के हमारा जो अलभ्य काम है वो अलभ्य नहीं रहेगा, कोई भी वस्तु दुनिया में अलभ्य नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग मूल्य पर प्रश्न, सॉरी मूल्य पर प्रश्न में ये दूसरा प्रश्न है, इतना जो 2 नंबर का इसको आप लोग कंप्लीटली अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद में आते हैं हम लोग 3 नंबर, तो 3 नंबर में क्या है मैं आप लोग बता रहा हूँ यहाँ पर लिख करके। 3 नंबर में है कौन सा कार्य
को किस समय में करते हैं उसको लिखना है। खाना, पढ़ना, नहाना, सोना, खेलना, टेलीविजन देखना, तो कौन कौन से कार्य किस समय में हम लोग करते हैं उसको यहाँ पर तालिका है मैंने लिखा है। ठीक है, तो खाना हम लोग किस समय में खाते हैं? दोपहर और रात। दोपहर और रात को हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, उसके बाद में पढ़ना, पढ़ना हम लोग किस समय में करते हैं? शाम को खेलने के बाद। शाम को खेलने के बाद में नहाना किस समय हम लोग करते हैं? सुबह। सुबह हम लोग नहाने करता हूँ। उसके बाद में सोना, सोना किस समय करते हैं हम लोग? रात में। रात में हम लोग सोते हैं। उसके बाद में खेलना शाम को, शाम को हम लोग खेलते हैं। फिर टेलीविजन देखना रात में, रात में हम लोग टेलीविजन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रचनात्मक कार्यकर कौन सा काम किस समय में करते हैं उसका तालिका यहाँ पर है। हम लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, खाना, खाना किस समय में खाते हैं? दोपहर और रात को खाना खाते हैं। पढ़ना शाम को खेलने के बाद, शाम को जैसे खेल के आते हैं तो बच्चे लोग क्या करते हैं? पढ़ने का काम करते हैं। नहाना, नहाना सुबह करते हैं सब कोई। उसके बाद में सोना रात को, फिर खेलना शाम को, फिर एग्जाम देखना रात को। इस तरह से आपको तालिका बनाना। ठीक, बचे हुए समय का उपयोग आप किस प्रकार करते हैं? ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप समय आपको समय नहीं मिलता, उनके लिए आप किस प्रकार समय निकाल सकते हैं? तो जैसे कि हम लोग को ऐसे काम करने के बाद कुछ बच्चे हम लोग को समय नहीं मिलता, तो हम लोग किस प्रकार से अपना समय निकाल करके अपना समय को पढ़ाई में या फिर खेलने में या फिर और कुछ काम में लगाते हैं, तो आपको क्या करना है रुकना है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं भाषा ज्ञान। इसके मुताबिक मैं आपको लोग को भाषा ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ। भाषा ज्ञान का पहला नंबर क्या है? पहला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्त व्यंजनों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर जो शब्द है इसमें से आप लोग देख रहे हो कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन है, यानी दो शब्द मिलकर के संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो संयुक्त व्यंजन है उसमें क्या करना है? गोला लगाना है। प्रभु, यह, जिससे, उपयुक्त, दोस्त, अलभ्य, अर्थ। तो जितने शब्द दिए हैं ना उसमें से दो शब्द, दो व्यंजन से जुड़े हुए शब्द कौन सा है उसको लिखना है। ठीक है, तो वो क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कौन कौन सा है। उपयुक्त एक ठो है और अलभ्य एक, तो ये क्या है? दोनों संयुक्त व्यंजन। तो इसको हम लोग को क्या करना है? लिखना है। ठीक है, इसका उदाहरण यहाँ पर पहले में दे दिया है। इसके हिसाब से हम लोग को नीचे के जो शब्द है उसको वर्ण विन्यास, यानी इस शब्द को अलग करके लिखना वर्ण विन्यास कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले में मनुष्य दे दिया है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रकृति का, प्रकृति, प्रकृति का क्या होगा? आधा आधार कृति,
आदत और छोटी प्रकृति, ठीक है। उसके बाद में लिखे हम लोग व्यर्थ, व्यर्थ व्यर्थ के क्या है, आधा हुआ, आधा यह, आधा रह, आधा सब, और व्यर्थ इसके बाद में हैं अलभ्य। अब क्या होगा, अ होगा, ल का आधा ल, अ आधा भ, आधा य, अलभ्य, ठीक है। उसके बाद में निराश, निराश निराश क्या क्या है, आधा नाम, छोटी मी, आधा र, और निराश, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक एक शब्द का वर्ण विन्यास, यानी वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विन्यास कहलाता है। यानी शब्द में, एक शब्द में एक से ज्यादा रंग से, वो एक वर्ण से एक से ज्यादा वर्ण रहने से वो क्या हो जाता है, शब्द हो जाता है। तो शब्द यहाँ पर हैं, शब्द का हम लोग वर्ण विन्यास करेंगे, यानी वर्ण के और सबसे छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ पर लिखे, तो ये वर्ण विन्यास करेंगे। तो प्रकृति का हम लोग अलग करके यहाँ पर लिखे, आधा पा, आधा र, और फिर आधा का री, फिर आधा का और ई, तो ये क्या हो गया प्रकृति, ठीक है। उसके बाद में व्यर्थ का आधा व, आधा या, आधा र, आधा था और आ, ये मिला करके क्या हो गया व्यर्थ। उसके बाद में अलभ्य का अ, आधा ल, अ, अ, आधा ल और अ, ल, आधा व, फिर या और अलभ्य। फिर निराशा का आधा न, ई, फिर आधा र और अ, नीरा, फिर आधा स और अ, निराशा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे दी गई शब्दों सीढ़ी को, शब्द सीढ़ी को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक शब्द सीढ़ी दिए हैं, उसको क्या करना है, पूरा करना, ठीक है। यहाँ पर है, सबसे पहले नीचे से मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, यहाँ से यहाँ पर एरो चिन्ह है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है प, यहाँ पर जा, इधर मा, यहाँ पर च, यहाँ पर ना, और यहाँ पर गी, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे, ये सभी शब्द क्रिया कहलाते हैं। ये जितने भी शब्द हैं चित्र में आप लोग देख रहे हो, क्या कहता है, कहलाते हैं क्रिया शब्द कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर रही है, पढ़ रही है, ये चल रहा है, ये सीढ़ी पे चढ़ रहा है, और ये गिर रहा है, और ये नाच रहा है, ये चल रहा है, ये सो के उठ रहा है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे रुचि बिना, तो ये हो गया पढ़ ना, ठीक है, पढ़ना। फिर ये नीचे से ऊपर है, इसका इसका क्या होगा, नीचे से ऊपर दिए जा गना, जागना, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ से इधर से इधर है, फिर उसके यहाँ पर तो है चढ़ना, यहाँ पर अडा करना, चढ़ना, ठीक है। यहाँ पर भी ऊपर भी हो गई ये चढ़ना, यहाँ पर ना जाए, ये दोनों से, ठीक है। उसके बाद में ना चना, उसके बाद में ये गिर ना, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो सीढ़ी वाला दिया है इसको कंप्लीट, ठीक है।
इस तरह से थ्री नंबर का कंप्लीट हो गया। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, नीचे से ऊपर है, तो ये पढ़ना, फिर ये जागना, नीचे से ऊपर है जागना, फिर ये इधर से इधर है चढ़ना, फिर ये इधर से इधर है, नीचे से ऊपर में भी चढ़ना हुआ, तो ये क्या होगा नाचना, इधर से इधर है एरो में, आप लोग देख रहे हैं नाचना, ये नाचना, फिर ये ऊपर से नीचे, तो ये गिरना, ठीक है। इस तरह से आप लोग अपने जो सीढ़ी वाले शब्द है उसको पूरा करना, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर है पाठ में से पांच क्रिया पद छांट कर लीजिए, पाठ में से आप लोगों को क्या करना है, पांच क्रिया शब्द पद को छांट करके लिखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं पाठ में से पांच क्रिया पद छांट करके, शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पाठ में से पांच क्रिया शब्द छांट कर लिखिए, ये कौन सा नंबर है, फोन नंबर है। फोन नंबर में क्या लिखा है कि पाठ में से कुछ क्रिया शब्द छांट कर, यानी क्रिया पद छांट कर लिखिए। यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, पहला कुछ काम करो, फिर दूसरा में उपयुक्त करो तन को, कुछ नाम करो, तुम प्राप्त करो, ना निराश करो मन को, ये सब क्या है क्रियापद है, यानी एक एक पद है इसमें एक एक क्रिया है। कुछ काम करो, काम करने की क्रिया है, उपयोग करो यानी उपयोग में लाना, ये भी एक क्रिया है। कुछ नाम करो यानी नाम करना भी क्रिया है, तुम प्राप्त करो यानी प्राप्त करना भी क्रिया है, एक क्रियापद है। ना निराश करो मन को, मन को निराश नहीं करने का भी एक क्रियापद है। इस तरह से हम लोग पांच क्रियापद लिखे, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम लोग फाइव नंबर, फाइव नंबर में किए हैं क्या दिया है, यहाँ पर दिए गए चित्रों को देखकर क्रिया शब्द लिखिए। फाइव नंबर में क्या है, दिए गए शब्दों को देखकर, दिए गए चित्रों को देखकर के क्रियापद लिखिए। यहाँ पर चित्र है आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं, चित्र दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर लिखना है ये क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, खेती करना, ये क्या कर रहा है, पौधों पर पानी दे रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, पौधों को पानी देना, ठीक है, इस तरह से लिखना है। ये क्या कर रही है, कपड़ा धो रही है वॉशिंग मशीन में, तो यहाँ पर लिखना है कपड़े धोना। यहाँ पर क्या लिखना है, वर्षा में खेलना, ये सब क्या है, क्रियापद है, ठीक है। कपड़ा धोना, खेती करना, पौधों में पानी देना, वर्षा में नाचना, ये सब क्या है, क्रियापद है। तो इसको ये चित्र को देखकर के आपको क्या करना है, खाली स्थान में भरना है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर फोर पार्ट फोर कुछ काम करो कविता, ये कविता आप लोग का अभ्यास करें जितना भी था मैं आप लोग को करवा चुका। आप लोग अपने हिंदी कॉपी में और जो बुक में करने का बुक में कर लेना, जो बाकी जितना प्रश्न उत्तर कॉपी में करने का रहेगा उसको कॉपी में करना, ठीक है। यानी मैं आप खाली आंसर लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्रश्न के सामने उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों को आपने कॉपी में अच्छी तरह से अच्छे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।